कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा समर्थकों कार्यकर्ताओं का जुलूस, यात्रा में दिख रहा हजारों का हुजूम। अभी तो ली अंगराई है, आगे और लड़ाई है, कदम कदम बढ़ाना है, मंजिल तक बढ़ते जाना है। कन्याकुमारी से चलकर अब केरल पहुंच चुके हैं और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा खत्म हो चुकी है। 200 किलोमीटर हमने कम्प्लीट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं भारत जोड़ो यात्रा में 200 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं। 200 किलोमीटर अब तक कम्प्लीट हो चुका है और एक बहुत सफल पूर्वक पूरा हुआ है। जिस तरह से लोग मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। 200 किलोमीटर का यात्रा जो है, ये सब मेमोरेबल यात्रा है। एक पदयात्री होने के नाते, पदयात्रा के दौरान मेरे भारत को समझने का जो मौका मुझे मिला है, मेरे लिए अद्भुत है। लोगों के टूटे हुए दिलों को जो जोड़ने वाली यात्रा है, इस यात्रा को कश्मीर तक ले जाना चाहते हैं। भले हमारे पैर में छाले हो, कई घाव हो रहे, लेकिन हम चलना नहीं रुकेंगे, हम कश्मीर तक चलेंगे, ये आप देखेंगे। इस यात्रा में अधिक से अधिक जुड़ के हम लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव भी खत्म होगा और भारत की एकता समृद्धता को बनाए रखे। भारत को हर मायने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर आधार पे जो है जोड़ करके रखेंगे, यही इस यात्रा का लक्ष्य। ये देश बहुत खूबसूरत है और हम चाहते हैं इसकी खूबसूरती बनाने में आप सब अपनी हिस्सेदारी तय करें। जय राहुल अन्नाज, भारत चलो। अभी तो ली अंगराई है, आगे और लड़ाई है, कदम कदम बढ़ाना है, मंजिल तक बढ़ते जाना है। कन्याकुमारी से चलकर अब केरल पहुंच चुके हैं और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा खत्म हो चुकी है। 200 किलोमीटर हमने कम्प्लीट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं भारत जोड़ो यात्रा में 200 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय कर चुके हैं। 200 किलोमीटर अब तक कम्प्लीट हो चुका है और एक बहुत सफल पूर्वक पूरा हुआ है। जिस तरह से लोग मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी उम्मीद है। 200 किलोमीटर का यात्रा जो है, ये सब मेमोरेबल यात्रा है। एक पदयात्री होने के नाते, पदयात्रा के दौरान मेरे भारत को समझने का जो मौका मुझे मिला है, मेरे लिए अद्भुत है। लोगों के टूटे हुए दिलों को जो जोड़ने वाली यात्रा है, इस यात्रा को कश्मीर तक ले जाना चाहते हैं। भले हमारे पैर में छाले हो, कई घाव हो रहे, लेकिन हम चलना नहीं रुकेंगे, हम कश्मीर तक चलेंगे, ये आप देखेंगे। इस यात्रा में अधिक से अधिक जुड़ के हम लोगों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेदभाव भी खत्म होगा और भारत की एकता समृद्धता को बनाए रखे। भारत को हर मायने में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर आधार पे जो है जोड़ करके रखेंगे, यही इस यात्रा का लक्ष्य। ये देश बहुत खूबसूरत है और हम चाहते हैं इसकी खूबसूरती बनाने में आप सब अपनी हिस्सेदारी तय करें। जय राहुल अन्नाज, भारत।